So now our uh, get user functionality is done. The next we are going to do is uh, implement these two. I'll just uncomment it. Okay. Here, i pass So I'm just going to pass user schema. Response, your success message schema That's totally fine. I think we have not imported it, so I can just go and quick fix. Okay. So it will automatically be added. Okay. Perfect. And also, uh, the next that I'm going to do here, uh, use this user schema. That's a technically happy, actually up argument argument, right? So I'm just going to use, uh, user query schema. Okay. Perfect. So it's not uh, arguments user schema. Perfect. Perfect. post self request data requested आपके पास में आएगा आईडी डोंट नीड टू पास ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही है हमारी डेटाबेस के अंदर ओनली थिंग दैट वी हैव टू डू इज अ सेल्फ डॉट ऐड आइटम एंड रिक्वेस्ट डेटा तो बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट दिस ऐड आइटम राइट अगर इसमें जाएं अह व्हिच इज इंससाइड दिस तो इस ऐड यूजर सॉरी ऐड आइटम नहीं आईडी यूजर है वो अगर इस ऐड यूजर के अंदर हम लोग जाएं तो यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड हम अलग-अलग अह अलग, uh, ले रहे हैं राइट right? हम रिक्वेस्ट डेटा के अंदर से फेच नहीं कर रहे हैं सो देर इज़ अ रीज़न फॉर दिस जो आप आगे जाने वाली वीडियोज के अंदर देखोगे ओके okay? तो अभी के लिए आपको क्या करना है कि इंस्टेंट आप डायरेक्टली वहाँ से पास कर रहे हो प्लस टू वन थिंग फर्स्ट यहाँ पे जाएंगे यहाँ पे रिक्वेस्ट uh, डेटा पूरा पास करने की जगह पर आई एम जस्ट गोइंग टू से यूजर नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डेटा और इसके अंदर से यूजर नेम को उठा लो एंड पासवर्ड इक्वल टू रिक्वेस्ट डेटा और इसके अंदर से पासवर्ड को उठा लो ठीक है एंड देन हम यहाँ पे अलग अलग पास करने वाले हैं सो इंस्ट ऑफ आईडी वी आर गोइंग टू पास द यूजर नेम एंड पूरा रिक्वेस्ट डेटा पास करने की जगह पे वी आर गोइंग टू पासवर्ड तो हमने ये दोनों चीजें पास कर दी यूजर नेम एंड पासवर्ड वंस दिस इज डन एंड दिस नेम इज एड यूजर नॉट दिस तो मैसेज यू हैव दिस आइटम सक्सेसफुली सो हियर आई एम गोइंग टू हैव दिस यूजर सक्सेसफुली परफेक्ट द नेक्स्ट थिंग अगेन यहाँ पे एक चीज और भी करनी है हमें दैट इज राइट right? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट कि भाई आपका दिस परफेक्ट, ये अभी आगे जाकर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ठीक है उससे पहले हम ये डिलीट वाली फंक्शनलिटी को भी देख लेते हैं इट विल बी क्विक तो यूजर क्वेरी स्कीमा है लोकेशन क्वेरी है डिलीट है डिलीट आइटम की जगह पे हम लोग यहाँ पास कर देंगे डिलीट यूजर डिलीट यूजर, दिलीट यूजर. राइट एंड देन अगर इसके अंदर मैं जाऊँगा एक्सेप्टिंग आई डी एयर सो दैट्स टोटली परफेक्ट तो हम जाएंगे वापस अपने यूजर डॉट पाई के अंदर यहाँ पे जाकर के आइटम की जगह पे वी आर गोइंग टू डू यूजर डिलीटेड गिवन आई डी डज नॉट एग्जिस्ट से यूजर आई डी डज नॉट एग्जिस्ट ठीक है तो दिस लुक्स फाइन इफ आई गो टू यूजर डॉट पाई तो यहाँ पर रिटर्न फॉल्स रिटर्न ट्रू है तो यहाँ पर अगर आपका ये यूजर डिलीट हो जाता है This looks पहले दोनों के को टेस्ट कर लेते हैं उसके बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे so यहां पे हमारे जो बाकी like तो मैं जाऊँगा बॉडी के अंदर जेसॉन यहाँ हम पास कर देंगे uh...

एंड देन आई जस्ट सेंड दिस तो यहाँ पे आपका मैसेज आया टू जीरो वन क्रिएटेड लम इ चेक तो आर आई यूजर एडिट सक्सेसफुली एक बार जाके क्विकली डेटावे के अंदर चेक कर लेते हैं कि भाई यू नो है दिस आर नॉट तो इद विन टू थ्री फोर एंड दिस पास वन टू थ्री फोर वी हैव गॉट दिस तो आपका यूजर जो एडिंग यूजर फंक्शनिटी परफेक्टली काम कर रही है लेकिन लेट सेल्सो वॉन्ट टू डिलीट दिस यूजर जिसकी आई डी है सेक्स राइट सो आई जस्ट गेट बैक हेयर और यहाँ पर जा करके uh, मैं डिलीट यूज़र पर जाऊँगा एंड आई जस्ट पास दिस आई डी इन द माई टर्म्स आई डी यहाँ पास कर देंगे सिक्स एंड आई ट्राई टू डिलीट इट तो आपका जाएगा यूजर डिलीटेड परफेक्ट अगर मैं उसको द्वारा ट्राई करूँगा जो कि ऑलरेडी डिलीट हो चुका है तो आपका जाएगा गिवन यूजर आई डी डज नॉट एग्जिस्ट सो देट्स परफेक्टली एक्सपेक्टेड एंड फाइन तो अगर मैं डेटस जाके चेक करूँगा सो दिस यूजर शुड नॉट एग्जिस्ट एनी मोर सी तो मतलब सारी फंक्शनलिटी एकदम सही चल रही है द ऑनली थिंग दैट वी नीड टू डू इज लाइक वी नीड टू चेक फर्स्ट कि आपका जो ऑलरेडी यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है ओके सो हेयर यहाँ पे आपको पता है कि हम सेम इसको कॉल कर सकते हैं राइट सो आई जस्ट डू कि भाई आपका सेम जो भी लेकिन 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 लेकिन, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और भी है कि इस हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे आ रहा है राइट तो अगर हम उसको अगेन इस वाले फंक्शन से कॉल करेंगे यहाँ हमें आई भी रिसीव करनी पड़ेगी विच वी डोंट हैव एक्चुअली तो इंस्टेड ऑफ चेकिंग इट फ्रॉम हेयर बट वी कैन डू वी कैन ट्राई और देखते हैं कि हमारी एरर क्या आती है ओके okay? ट्राई क्यों करेंगे क्योंकि अगर आपको याद हो द यूजर नेम इज़ द प्राइमरी की इन द डेटा बेस राइट दैट मीन्स अगर हम सेम चीज़ को अगेन ऐड करने की कोशिश करेंगे देयर शुड बी एन एरर ऑटोमेटिकली तो वो एरर क्या है उसको हमें कैच करना है और उसके थ्रू हम रिजल्ट को प्रिंट कर सकते हैं तो बेसिकली इफ यू गो टू दिस यूजर डॉट पाई डी भी यहाँ पे जाके एड यूजर में यहाँ पर हम डायरेक्टली बस यूजर को ऐड कर रहे हैं वी आर नॉट डूंग एनीथिंग राइट तो अगर मैं सेम यूजर को अगेन ऐड कर रहा हूँ यूजर जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टेड है वहाँ पे सेंड किया तुम्हारी तो एरर आएगी हमको पता है लेकिन वो एरर क्या है दैट्स वट वी नीड टू कैच तो वो एरर है बहुत ज़्यादा बड़ी ठीक है इंस्टेड ऑफ यू नो सींग इट हेयर चलते हैं विजोल स्वीडियो कोड के अंदर तो हमारे पास में आ रही है पाई ओडीबीसी इंटीग्रिटी एरर ठीक है जी और वो आपको बेसिकली बता रहे हैं कि भाई ये देखो आपके जो पी के यूजर्स हैं ये आपकी डुप्लीकेट की नहीं हो सकती यूजर्स के अंदर ठीक है और ये उसकी वैल्यू थी तो सारी डिटेल्स आपको दे रहा है बट वट यू नीड टू कैच इज दिस राइट या तो हम पहले यहाँ पे एक और सीक्वल क्वेरी चला लें उससे चेक कर लें लेकिन अगर आप डायरेक्टली इसको ईजिली हैंडल करना चाहते हो सो दिस इज द राइट वे तो जैसे इसको एग्जीक्यूट कर रहे थे ना तो मैं डालूंगा ट्राई के अंदर ये वाला कोड आपका हो जाएगा ट्राई के अंदर इफ टॉपिक नेम भी किया था here, यहां कर देंगे पेस्ट एंड देन वी कैन जस्ट सेन ठीक है यहां से रिटर्न कर दिया नन अब यहाँ फॉल्स रिटर्न कर सकते हो अप टू यू तो यहां पे आया यहाँ पे जब हम लोगों ने ऐड किया डी बी डॉट एड यूजर राइट तो इंस्टेड ऑफ नन एक्चुअली वी कैन जस्ट रिटर्न फॉल्स फ्रॉम हेयर इसका रीजन पता क्या है कि अब मुझे दो दो कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे वट आई कैन जस्ट से आई कैन जस्ट से इफ ये आपका यूजर ऐड हो गया अगर वहां से आपका ट्रू आता है ठीक है जो कि टेक्निकली यहाँ से अभी आएगा फॉल्स राइट न ऑल्सो रिटर्न ट्रू कि आपका यूजर एड हो गया है तो अब अगर हमारे यहां से ट्रू आता है उस केस के अंदर आई कैन जस्ट सेक्सेसफुल अदरवाइज बट वी कैन डू वी कैन जस्ट रिटर्न वैसेज राइट सो वी कैन जस्ट से अबाउट इंस्टेड ऑफ फोर ओ फोर वी कैन जस्ट से टू जीरो जीरो राइट या हम कुछ और दे सकते हैं इसकी जगह पर अगर आपका uh, कुछ चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है वी नीड टू गेट स्टेटसूड फॉर डेट राइट सो आई जस्ट को हिर चेक ऑलरेडी एग्जिस्ट स्टेटस को तो नॉर्मली ये लोग देते हैं कि अगर ऑलरेडी एग्जिट वाली आपकी एयर आती है सो इट ऑफ फोर ओ फोर वी डू फोर ओ थ्री ओके सो एंड ऑल्सो पीपल हैव अट ऑफ अदर आंसर्स वेल well, तो यहाँ प्रॉपर आपका मतलब डिबेट चलता है सो इफ यू सी दिस टिक 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 लोग फोर जीरो नाइन भी रिटर्न uh, कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट mm -hmm. बहुत सारी चीज़ें हैं रिटर्न करने के लिए राइट right? जो लोगों ने यहाँ पे ऐड की हुई है सो इंस्टेड ऑफ दैट आई जस्ट को विद फोर ओ थ्री दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट ठीक है और यहाँ पे जो मैसेज हो जाएगा वो आपको हो जाएगा यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट ओके इतना करने के बाद में आई थिंक नाउ इट शुड वर्क परफेक्टली चलते हैं एक और यूजर को ऐड करने की कोशिश करते हैं तो आपका आ गया रिजल्ट दैट इज यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट स्टेट इज फॉरबिडन ठीक है विच आई डों नो क्योंकि ये आपका आ रहा है कि भाई रिक्वेस्ट वॉर लीगल रिक्वेस्ट व सर्वर इज रिफ्यूजिंग टू रिस्पॉन्ड टू इट अनलाइक फोर अनऑथोराइज रिस्पांस ऑथेंटिक इट विल मेक नो डिफरेंस तो टेक्निकली आपका ये फोर ओ थ्री फॉर्मेटर रिटर्न कर रहा है जब का फोर ओ फोर वो नॉट फाउंड रिटर्न करता है राइट right? तो ऑल्सो हम लोग यहाँ पर टू ओ ओ भी रिटर्न कर सकते हैं क्योंकि टेक्निकली आपकी ये प्रॉपर चली है ए पी आई चली है राइट right? और ए पी आई चलने का मतलब है कि सब कुछ सही है बस जो आपने डेटा पास किया है यहाँ पर वो थोड़ा सा आप अगेन सेम यूजर को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो ओके okay? तो अप टू यू आप कौन सा स्टेटस कोड यहाँ पे यूज करना चाहते हो नाउ द नेक्स्ट थिंग एंड ओनली थिंग दैट वी हैव लेफ्ट विद कि अभी जो भी हम कर रहे हैं राइट व्हाटएवर वी आर डूइंग कभी भी अपने डेटाबेस के अंदर वी नेवर एवर स्टोर द पासवर्ड्स ऑफ यूजर राइट अभी दिक्कत क्यों ऐसा क्यों करना चाहते हैं हम लोग वी विल से